हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सक्सेस रामगढ़। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल नॉलेज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी क्वेश्चंस आपके हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उससे पहले जो भी कैंडिडेट इस चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे आज का पहला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक कौन सी खनिज पाई जाती है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक। तो अभ्रक जो है बिहार में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछी जाए कि यहाँ पे कोयला किस स्टेट में सबसे अधिक यहाँ पे पाई जाती है, तो कोयला जो है झारखंड स्टेट में जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे अगर सी की बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम दी गई है, तो एल्युमिनियम किस स्टेट में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो एल्युमिनियम जो है आपका ओडिशा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जस्ता की बात करें तो जस्ता सबसे अधिक किस स्टेट में पाई जाती है, तो जस्ता जो है आपका राजस्थान में यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो राजस्थान जो कि यहाँ पे एक उनका खान है जस्ता का, ज्वार खान, तो राजस्थान के ज्वार खान में जो है सबसे अधिक मात्रा में जस्ता प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नरसिंह अवतार इनमें से किससे संबंधित है। तो यहाँ पे जो नरसिंह अवतार है इनमें से किससे संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन देंगे ब्रह्मा, विष्णु, महेश एंड काली। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु। विष्णु का जो है एक अलग रूप भी आपको यहाँ पे बोला जाता है जिसको आपको नरसिंह अवतार यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कोलकाता नदी किस नदी के किनारे बसा है। तो यहाँ पे कोलकाता जो पूछा गया कि किस नदी के किनारे बसा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हुगली। तो हुगली नदी के किनारे जो है कोलकाता बसी हुई। अगर यहाँ पे आपको पूछा जाए कि गोदावरी नदी के कौन से स्टेट यहाँ पे बचे, तो यहाँ पे जो गोदावरी स्टेट है इसके जो किनारे बसे जो राज्य हैं आपका आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये दो स्टेट जो है आपका गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पे बसे। अगर यहाँ पे दामोदर या फिर स्वर्णरेखा की बात करें तो दामोदर एंड स्वर्णरेखा नदी के किनारे जो स्टेट बचा है उसका नाम झारखंड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतने सारे इफेक्ट यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति किसको समर्पित है। तो जो आपका तमिलनाडु में एक नटराज की मूर्ति है तो इनमें से किसको समर्पित है, तो ऑप्शन दिए गए विष्णु, शिव, कृष्ण एंड इंद्र। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। तो जो शिव का जो मंदिर है तमिलनाडु के स्थित नटराज मूर्ति को समर्पित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मौलिक अधिकारों को हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है। तो यहाँ पे जो बताएगा कि मौलिक अधिकारों को हनन होने पर निम्नलिखित में से कहाँ अपील की जा सकती है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे जो सौर मंडल है तो सबसे ग्रह सौर मंडल का होता है बुध ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। तो यहाँ पे योग दर्शन के बारे में यहाँ पे बोला गया, तो जो यहाँ पे योग होता है तो उसके जो प्रतिपादक कौन थे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए चरवाहा, भगवान बुद्ध, शंकराचार्य या फिर पतंजलि। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पतंजलि। पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नालंदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो तो नालंदा यहाँ पे दी गई उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन से नवादा, बिहार शरीफ, गया या फिर राजगीर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ में। बिहार शरीफ जो कि बिहार में ही पड़ता है, तो वहीं जो है नालंदा का मुख्य न्यायालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पे जो ध्यानचंद ट्रॉफी आपको बोला गया तो वो किस खेल से संबंधित है, तो जो मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी है ये आपका हॉकी से यहाँ पे संबंधित है। जो मेजर ध्यानचंद है वो हॉकी खेल से
खेलते थे, तो उन्हीं के नाम पर आपको यहाँ पे मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी आपको दी जाती है हॉकी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे, और प्रथम राष्ट्रपति भी हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर आपको पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, यूटीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे जो चार स्टेट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि यूटीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में जो है यूटीआई का मुख्यालय स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपका जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? तो जो यहाँ पे जारवा बोला गया, तो जारवा आदिवासी किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ पे चार स्टेट दिए गए, तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ से आपका जारवा आदिवासी राज्य संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपका राष्ट्रपति को शपथ कौन कराता है? जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं, तो उनको यहाँ पे शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो हम जो हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के यहाँ वहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही जो है हमारे देश के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपका सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? तो यहाँ पे जो वर्ष दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सांसद बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष। तो यहाँ पे जो है 25 वर्ष जो है आपको संसद बनने के लिए यहाँ पे न्यूनतम वर्ष यहाँ पे होती है। ठीक है,